कोई आपको एक गले में थप्पड़ मारेगा, आप क्या कहेंगे? दोसा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप ही से पूछता हूं, आप महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूं यार, मैं महात्मा गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूं कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? मैं कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तब जब आपके पास तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे, नहीं क्षमता होगी आप चुपचाप घर वापस आ जाएंगे, छुपा देंगे इस मामले को, यही होगा ना? आप कमजोर क्यों बना? मैं जान रहा हूं ना आपका रिएक्शन यही होगा। नहीं, नहीं, मैं तो इंतजार करूंगा, थाना जाऊंगा, पुलिस थाना जा सकते आप, थाने में जाने के बाद आपका समय ही नहीं होगा। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे आप उसके सामने, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे, अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे, आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है, मैं जानता हूं। तो फिर तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उत्साह रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। मानते हैं कि दंगे मुसलमान ही